So we have this another article, guys, from Da Hindu. It's time to revamp the structure of the Supreme Court. तो पॉलिटी के रिगार्डिंग बात हुई है. आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स दैट वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. हमारे इंडिया में थ्री टीयर सिस्टम है जुडिशरी का. वी टॉक अबाउट द एपेक्स कोर्ट, वी टॉक अबाउट द हाई कोर्ट एंड वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सो बात हमारी हो रही है इस आर्टिकल के अंदर कि द टाइम हैज कम वेयर वी नीड टू रिवैम्प द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कैसे काम करता है और क्यों बदलने की जरूरत है, विल ट्राई टू सी इन दिस आर्टिकल. पंचलाइन थोड़ी सी देखते हैं, उन्होंने क्या कहा. द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कुड बी स्प्लिट सो दैट देयर इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू इंश्योर ग्रेटर जुडिशियल स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. पंचलाइन के अंदर ही उन्होंने दो बहुत बड़ी बातों का मुद्दा उठाया. सुप्रीम कोर्ट के काम को कहते बांटा जा सकता है ताकि एक फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील अलग हो, जहां पे आप ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की पिटीशन जो है वो सुनते हो, और एक परमानेंट जो कि अभी नहीं है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जा सकता है ताकि जुडिशियल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे. क्योंकि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट आपको पता है दो काम करती है, एक तो हमारे जो अपील्स जाती हैं उनको तो सुनना ही होता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है. तो जब ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी आपके बनाए जाते हैं, ऑफ द फाइव जज बेंच एंड मोर. तो ये कुमार कार्तिकेय जो एक लीगल रिसर्चर है वो बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर को बदल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज थ्री ज्यूरिसडिक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो ओरिजिनल जिसे हम एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, या एपेलेट या एडवाइजरी. द सुप्रीम कोर्ट सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज अ कोर्ट ऑफ अपील. दो तरफा काम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करती है और कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी काम करती है. द कोर्ट सिट्स इन बेंचेस ऑफ वेरिंग साइजेस एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्री ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं. इनका टाइटल बोला जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अलॉट करते हैं केसेस को रिस्पेक्टिव जजेस को, और वही डिफाइन करते हैं कि किस मैटर को कौन सा बेंच या कितने जज जो हैं वो सुनेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टिपिकली कंप्राइज या तो 5 या तो 7 या तो 9 जजेस, जिन्हें आप लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बोलते हो, हु डेलिबरेट ऑन अ स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Well, Article 145, Clause 3 of the Constitution provides for the setting up of a constitution bench. It says, क्या कहता है? A minimum of 5 judges need to sit for deciding a case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution or for hearing any reference under Article 143 which deals with the power of the president to consult the court. हालांकि अंडर आर्टिकल 143 हमारी जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हो जाती है, पर उन्होंने बताया आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 के तहत वो बोलता है कि मिनिमम 5 जजेस को बैठना ही है, कि जब कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा मुद्दा आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग हो. वेल, टिपिकली cases before the Supreme Court are heard by division benches, या तो ज्यादातर वो 2 judges के होते हैं, और full benches जो 3 judges के होते हैं, to examine a wide range of topics, जैसे कि film prohibitions, oblique restrictions, or charges that a police commissioner abused his position. And under its very broad jurisdiction that the Supreme Court exercises all over India, Supreme Court has entertained frivolous public interest litigation, जैसे कि demands that passages be deleted from the Quran or secularism be removed from the preamble to the Constitution. ऐसी appeals भी हमारे highest court ने सुनी है.
And this is why at present there are 79,813 cases pending before the 34 judges of the Supreme Court. So it is therefore understandable that there has been demand time and again for a structural change in the top court. Recently, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud announced his intent to create constitution benches of varied strengths as a permanent feature of the court. कि वो अलग से ना बनाने पड़े, permanent constitution benches हमारे पास अलग-अलग strength के पहले ही बने हों, ताकि वो constitutional interpretation को highest priority दे सके और cases को जल्दी dispose कर सके, ताकि pendency ना बढ़े. So in March 1984, the 10th Law Commission of India proposed that the Supreme Court be split into two divisions. Ek constitutional division naam de do aur dusre ko legal division. The proposal stated that ki only issues pertaining to constitutional law would be brought to the proposed constitutional division. So, reiterating this, the 11th Law Commission stated in 1988 again that dividing the Supreme Court into parts would make justice more widely available and would significantly decrease the fees that litigants have to pay. It was reported that appeals in the top court mostly comprised matters from high courts that are closer to the Supreme Court, and that is appeals from the Punjab and Haryana High Court, Allahabad High Court and Delhi High Court formed the major chunk of matters, whereas courts far away from the apex court had fewer appeals filed due to both difficulties in accessibility and cost. तो ये हालांकि कोई ऐसी logical बात नहीं है कि मतलब Supreme Court के नजदीक हमारी ये 3-4 High Courts हैं, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा जो है वो matter बना रखा है. पर वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पाया गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील्स हैं वो ज्यादातर इन 3-4 हाई कोर्ट्स की हैं. अर्लियर इन बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इट वाज डिजायरेबल टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड बी एबल टू एंटरटेन स्पेशल लीव पिटीशंस एंड दिस वुड अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू ओनली एंटरटेन constitutional and public law related questions जिनकी बहुत ज़्यादा urgency होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है ताकि जल्दी से जल्दी constitutional interpretation वाले matters को resolve किया जा सके और अलग से एक national court of appeal बना दी जाए जो हमारे court of appeal का काम करें. So as a step towards making the court more accessible, the 229th Law Commission report in 2009 recommended 4 regional benches to be located in Delhi, Chennai or Hyderabad mein se koi ek, Kolkata and Mumbai to hear non-constitutional issues. It recommended 6 judges from each region at 4 regional benches take up appellate responsibility, जबकि विद द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन न्यू दिल्ली वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस. सो बाय डिवाइडिंग द हैवी बैकलॉग ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस अमंग रीजनल बेंचेस द सुप्रीम कोर्ट इट सेड कुड डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज विच आर प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड अदर केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस लीविंग द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इन द हैंड्स ऑफ रीजनल बेंचेस. During colonial times, there were 3 Supreme Courts. एक बॉम्बे में, एक कैलकटा में और एक मद्रास में. Federal Courts बोला जाता था उस समय, या Imperial Courts ही बोला जाता था. The Indian High Courts Act of 1861 replaced the Supreme Courts with High Courts for separate regions, and the Government of India Act 1935 finally created the Federal Court of India as an appellate body for the Privy Council and High Courts. कि एक सांझी बॉडी आपने बना दी, Federal Court बना दी Government of India Act 1935 ने, ताकि हिंदुस्तान के नीचे जितनी भी आपकी High Courts चल रही हैं अलग-अलग provinces के लिए या Privy Council हमारे जो बने हुए हैं, ये Federal Court एक appellatory body बना दी. कि अगर किसी ने भाई नीचे High Court या Privy Council के अंदर अगर कोई appeal file करनी है, तो आप ऊपर Federal Court में file कर सकते हो. ये कॉलोनियल टाइम्स की बात है.
इंडिया ने अपना संविधान 1949 में अप्रूव किया, आप जानते हो 26 नवंबर 1949 वी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। सुप्रीम कोर्ट एज वी नो इट नाउ वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 28, 1950, हमारे संविधान लागू होने के दो दिन बाद। अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेज आफ्टर इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and it came into being in Delhi as a result of Article 130. The first Supreme Court included 8 judges, including the Chief Justice of India, yani ki composition 1+7 thi. As the workload rose year after year and arrears of cases began to accumulate, Parliament increased the number of judges from 8 in 1950 to 11 in 1956, 14 in 1960, 18 in 1978, 26 in 1986, 31 in 2009, and 34 in 2019. So today's Supreme Court issues around 8 to 10 decisions each year through constitution benches of 5 or more judges. It serves primarily as an appeals court. जबकि होना क्या चाहिए? पूरे आर्टिकल में वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की कोर्ट है तो एक डेटा के मुताबिक सिर्फ 8 से 10 डिसीजन हर साल ही आप देते हो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जरिए, और ज्यादातर ये अपील्स कोर्ट की तरह ही काम करती है। ओनली 4 ऑफ द 1263 डिसीजंस इश्यूड इन 2022 वर इश्यूड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। यू कैन इमेजिन 1259 decisions आपके appeals वाले हैं basically। The Supreme Court hears matters between the center and the states, यही इसकी exclusive jurisdiction भी है, as well as between two or more states। दूसरा काम, rules on civil and criminal appeals and provides legal and factual advice to the president, जो कि उसकी advisory power भी है। So any person can immediately petition the Supreme Court if they consider their basic rights have been infringed under the Article 32. आप जानते हैं कि अगर एक citizen को लगता है कि अगर fundamental rights उसके violate हो गए तो वो Supreme Court जा सकता है। The work of the Supreme Court could be split so that there is a final court of appeal and a permanent constitution bench. And this would ensure greater judicial stability and consistency by explicitly distinguishing cases filed under constitutional authority from those filed under appellate and review jurisdiction. A constitution bench is analyzing these issues and contemplating measures to protect a citizen's basic right to access the Supreme Court. Under the guidance of the Chief Justice of India, there is an opportunity today to address this structural gap in the Supreme Court by designating several of the court's appeal benches as regional benches, जो कि हमारे एक former law commission की report ने 2009 में recommend भी किया था कि आप ऐसा कर लीजिए। This is a very beautiful article that we have in order to make sure the justice not only becomes accessible but affordable as well and more reliable और बहुत जल्दी भी हो। तो इन्होंने यही इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है कि समय आ गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को रिवैम्प करें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बनाएं और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील अलग करें। तो उन्होंने काफी सारे प्रेसिडेंट्स भी आपको दिए, जैसे हमारे कॉलोनियल टाइम्स में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट का जिक्र हुआ है 1861 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र हुआ है, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 का जिक्र हुआ, आर्टिकल 124 का जिक्र हुआ, 130 का भी जिक्र हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में होना, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन वाला आर्टिकल 131 है, और 143 का भी जिक्र हुआ विच इज द एडवाइजरी पावर्स। तो ये काफी सारे पॉलिटी के आर्टिकल्स भी आए एंड दिस इज द होल आर्टिकल वी हैव इन ऑर्डर टू मेक श्योर द इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर बिकम्स मोर बेटर ऑर्गेनाइज्ड।